आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी या अरवी के पत्ते की एक बहुत अच्छी रेसिपी। इसे कोलोकेशिया लीव्स भी कहते हैं। इसे बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे पात्रा, पतोरा या पटवेलिया। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए और सी की मात्रा भरपूर होने के साथ ही कैल्शियम और आयरन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। अरबी के पत्तों के बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स है, जैसे कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपके वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बच्चे के दिमाग और नर्वस सिस्टम को डेवलप करता है। एनीमिक लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है और स्किन को भी ये रिंकल होने से बचाता है। ये संतानहीन जोड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये मेल में स्पर्म काउंट बढ़ाता है। अरबी के पत्ते बहुत आसानी से मिल जाते हैं, फिर भी ये बहुत ही अंडररेटेड सब्जी है। तो आइए बनाना सीखते हैं हम अरबी के पत्ते के पकौड़े, जैसे कोफ्ते कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आइए बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अरबी के पत्ते, कोलोकेशिया लीव्स। तो हमने यहाँ 4 से 5 अरबी के बड़े बड़े पत्ते ले लिए हैं। ये देखिए, आगे से डार्क ग्रीन होते हैं ये, और पीछे से लाइट ग्रीन होते हैं। मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल है होते हैं ये पत्ते। इसके अलावा हमें चाहिए बेसन, टैमरिंड या इमली का पल्प, ज़ीरा पाउडर, अजवाइन, सौंफ और धनिया, स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला। सबसे पहले एक बड़े बाउल में 1.5 कप बेसन ले लेंगे। तो मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। अब इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, ये भुनी हुई अजवाइन है, दरदरा पिसा हुआ धनिया और सौंफ का मिक्सचर है ये, तो ये 2 टीस्पून लूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। एक टीस्पून गरम मसाला, अब यहाँ 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, ये भी मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके टैमरिंड पल्प मिलाती जाऊँगी। इमली का जो मैंने पल्प बना के रखा है वो इसमें मिलाती जाऊँगी और इसे इसका बैटर बना देंगे। तो ये इमली का पल्प या इमली का पानी मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बाद में धीरे धीरे पानी डाल के मैं इसका घोल तैयार कर लूँगी। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और हिलाते जाना है ताकि लंप्स ना बने। पहले अच्छे से लंप्स तोड़ लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छोटे छोटे लम्स भी रहने नहीं चाहिए, ऐसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बना है। इसे अच्छे से हर एक लम्प को तोड़ के हमें इसे अच्छे से मिक्स करके रेडी कर देना है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बना है। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। अब हम अपने अरवी के पत्तों को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पीछे से जहाँ लाइट ग्रीन साइड है वहाँ से इसकी डंडी काट लेनी है। इसका जो मोटा मिड रिब रहता है, इसकी जो डंडी रहती है उसे हटा देनी है। देखिए, जो भी ज़्यादा करक पार्ट दिख रहा है आपको, ये नीचे देखिए थिक है, उसे निकाल देते हैं हम। इसकी वेन्स को काट लेंगे। अगर छोटे पत्ते होते हैं तो वेन्स इतनी ज़्यादा कड़क नहीं होती है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बीच वाली मेन वेन को हमें निकालना पड़ता है। देखिए, अब मैं एक एक करके पत्ता बिछाऊंगी और इसका जो लाइट ग्रीन साइड है, पीछे का जो साइड है, वहाँ पे अपना बेसन का प्रिपेयर्ड बैटर लगा देंगे हम। इसे अच्छे से इसको फैला लेंगे। ये
याद रखना है कि इसे पीछे वाले हिस्से पे हमने लगाया है। अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे हम अपने बैटर को। इसके बाद हम दूसरा पत्ता रख देंगे और उसके साथ भी यही प्रोसेस रिपीट करना है। इस पे भी हमने अच्छे से बेसन डाल दिया है और इसे स्प्रेड कर लेंगे। मिरिंडा डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखिए, ये मैंने 1, 2, 3 और 4 पत्ते ऐसे रख लिए हैं और उस पर बेसन का हमारा बैटर लगा दिया है। अब ये आखिरी पत्ता भी हम रख देते हैं और सेम प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं। अब हम इसे टाइटली रोल बना देंगे। ये देख लीजिए, अच्छे से इसको टाइट रोल बनाना है हमें। इसे मोड़ते जाइए, दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से हमने इसका टाइट रोल बना दिया है। अब मैं इस रोल को बीच में से काट दूंगी ताकि ये मेरे स्टीमर में अच्छे से फिट हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बनी है। अब मैंने ये अपना टपरवेयर का स्टीमर लिया है, इसमें मैंने दोनों को प्लेस कर दिया है। लिड रख के अब एक बड़े बर्तन में जिसमें मैंने पानी उबलने को रखा है उसमें अब मैं इसको रख दूंगी और इसे स्टीम होने दूंगी। आप इसके अलावा जो भी आपके पास स्टीमिंग का बर्तन है, अगर इडली मेकर है या अगर आप कुकर में स्टीम करना चाहते हैं तो उस तरीके से इस रोल को स्टीम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं साइड में से धुआं निकलने लग गया है। देखिए, मतलब अच्छे से स्टीम हो गई है, साइड से स्टीम निकल रही है होल से। ये देखिए अभी तक थोड़ा कच्चा है, मैं इसे थोड़ा और पकने रख दूंगी, थोड़ा और स्टीम होने देना चाहिए। थोड़ा सा बेसन कच्चा लग रहा है तो मैंने फिर से इसे रख दिया है। अब मैं 2 मिनट इसे और स्टीम होने दूंगी और फिर चेक करते हैं। देखिए अब अच्छे से पक चुका है। देखिए कितना अच्छे से पक चुका है इसे। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए बेसन अच्छे से पक चुका है, आप काट के इसको चेक कर सकते हैं। अब इसे हम छोटे छोटे रोल्स में काट लेंगे, लगभग 1/2 इंच जितने काट लिए हैं मैंने। तो हमारे जो पात्रा या पतोरे या पटवेलिया जिसे कहते हैं, स्टीम अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इसे सबको काट लेना है। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ऑलरेडी। अब ये जो स्टीम हो चुके हैं इसे या तो हम डीप फ्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास एयर फ्रायर है, आप हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो आप एयर फ्राई कर सकते हैं इसे। ये देखिए हम सब काट के रेडी कर लेते हैं इसे। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स दिख रही है। ऐसे एक रोल से कम 20 से 25 हमारे कोफ्ते या पकोड़े बनके रेडी हो सकते हैं। अब आइए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो इसे मैं यहाँ डीप फ्राई कर रही हूँ। एक साथ आप ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए मैंने लगभग 6 से 7 एक साथ फ्राई किए हैं। एक बार इसे पलट के
अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई करके इसे परोस लीजिए। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसे आप डायरेक्टली भी एज अ स्नैक खा सकते हैं, या आप इसे किसी भी तरह की ग्रेवी में ऐड करके इसे कोफ्ते के जैसे खा सकते हैं एज अ मेन कोर्स। तो ये एक स्नैक और मेन कोर्स दोनों की तरह खाया जाता है। आप ये ज़रूर बनाइए और इसके हेल्थ बेनिफिट्स का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि ये कैसी बनी और आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करें और इन्जॉय करें। थैंक यू।